शहर के चर्चित हनी ट्रैप के मामले में पिछले एक वर्ष से फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से तीनों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में वसीम चौकदार ने थाना कैंट में आरोपियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें वसीम ने कहा था कि कुछ लोग ने युवती के साथ मिलकर उसे हनी ट्रैप में उलझाया और लगातार ब्लैकमेल कर रुपयों की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कैंट पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों पर धारा 387, 384, 386 और 323 तथा 506 व 34 में प्रकरण दर्ज किया था। और शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने दो युवतियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन तीनों आरोपी फरार हो गए थे। वह मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई जिलों में फरारी काट रहे थे। कैंट पुलिस को जब मुखबिर से सोमवार को सूचना मिली कि तीनों फरार आरोपी बस स्टैंड पर मौजूद हैं, तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा व न्यायालय में पेश किया, जहां पुलिस आरोपियों से हनी ट्रैप के मामले में पूछताछ कर रही है। कैंट पुलिस ने फरार आरोपी तौशिफ उर्फ भूरा निवासी स्कीम नंबर 7, मोहम्मद रहमत उसके सगे भाई मोहम्मद हुसैन निवासी बगीचा नंबर 4 को गिरफ्तार किया है। कैंट टीआई अजय सारवान कहते हैं कि तीनों आरोपियों ने कई जिलों में फरारी काटी है। अब गिरफ्त में आने के बाद इन लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। हमारे पिछले अप्रैल में एक हनी ट्रैप का मामला यहाँ पर हुआ था, जिसमें तीन आरोपी लोगों में गिरफ्तार हुए थे। तीन शेष आरोपी जो कि पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे थे, उन आरोपियों को कल मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है और उनको कल माननीय न्यायालय में पेश करके उनका PR पुलिस में प्राप्त करके और उनसे पूछताछ करके और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, कौन आरोपी है? ये आरोपी है, पहले का आरोपी है भूरा उर्फ तौसीफ, पिता रफीक, स्कीम नंबर 7 है। उसके अलावा एक रहमत, पिता हिदायतुल्ला खान, जो कि बगीचा नंबर 4 का है, और उसका भाई मोहम्मद, पिता हिदायतुल्ला खान, ये भी बगीचा नंबर 4 का है। दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों सगे भाई प्लस एक ये भूरा, ये तीनों फरार चल रहे थे, इन्हीं को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया। सर, अभी PR क्या कुछ इन्होंने बोला कुछ? अब PR में इनसे जो भी पूरा जो घटनाक्रम है उससे संबंधित विवेचना की जा रही है। फरारी के संबंध में बता रहे हैं कि इनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर, कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस UP में भी इनके द्वारा फरारी काटी गई। सूचना मिली थी कि तीनों आए हैं यहाँ पर और उसी सूचना के आधार पर इनको गिरफ्तार।